हे गाइस, मैं दीपक कुमार आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो के हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि एक्टिवा का हैंडल जो 400 स्पीड पे ऊपर जाते हैं तो हिलने क्यों लगता है। और दूसरी बात है, इस चीज में कई बार आप लोग चेक भी करते होंगे कि पिछले चक्की में हवा कम है सही है, और अगर चक्की में हवा सही है, हैंडल में हमारा टाइट पड़ा है, तो भी हमारा हैंडल बहुत ज्यादा कांपता रहता है चला 40 ऊपर जाने पे। ऐसा क्यों होता है? सो गाइस, हम इस चीज के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि इसका मेन रीजन पता क्या होता है, इसका हमारे हैंडल के एक्टिवा ज्यादातर ये एक्टिवा की प्रॉब्लम आती है। और एक्टिवा में ऐसी प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि उसके शॉकर के नीचे जो दो बुश होते हैं, लिंक बुश होते हैं, वो खराब हो जाते हैं, जिससे हमारा चक्का अगला हिलने लगता है। और जब हम 40 स्पीड से ऊपर जाते हैं तो बबलिंग करने लगता है। तो सो गाइस, आप इसी चीज के बारे में बात करेंगे और इसे कैसे फिट करते हैं इस चीज के बारे में बताएंगे आपको, इसमें कौन सा सामान लगता है उस चीज के बारे में बताएंगे। सो गाइस, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस, ये वीडियो लंबा ना खींचते हुए हम ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूं और ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, इसके लिए जरूरी है। सो गाइस, आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। ये है हमारी एक्टिवा। पहले हम इसके ना पहले ब्रेक खोल लेते हैं इसकी। हम ये हमने ब्रेक खोलना चालू कर दिया है। हमें ब्रेक खुल गई है, हमने इसकी तार निकाल ली। अब हम इसका ना ये देखो, अब इसका चक्का भी हिल रहा था। अब हम इसका ना मीटर वाली तार निकाल लेंगे। ये हमने इसकी मीटर वाली तार भी निकाल दी। अब हम इसका मेन एक्सल खोल देंगे। ये हमने मेन एक्सल भी निकाल दिया इसका। अब हम इसका व्हील निकाल लेंगे। ये हमने व्हील भी निकाल लिया इसका। व्हील उठा कर हमने ये पीछे रख दिया ताकि अब हमारी एक्टिवा आगे को गिरे ना। ये देखो, हम आपको पिले चेक करा देते हैं। ये देखो कितनी ज़्यादा पिले इसमें, इसमें भी और इस दूसरे वाले लिंक बुश में भी। ये देखो काफ़ी पिले इसमें। अब हम इसे लिंक बुश खोल लेंगे। इसमें एक साइड 12 नंबर की लगती है और एक साइड 14 नंबर की लगेगी या 13 नंबर की चाबी। ये हमारा एक लिंक बुश खुल चुका है। अब हम दूसरा खोलने जा रहे हैं। दूसरा निकल गया। देखो अब हम इसके ग्रीन बुश भी खोल लेंगे। हमने ग्रीन बुश खोल लिया शोकर से। ये देखिए निकल गए हमारे ग्रीन बुश भी निकल गए। अब हम इसके इन सबको ना कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। इसमें काफ़ी कचड़ा जाता है तो उसमें हम साफ़ कर लेते हैं। ये हमने साफ़ कर लिया। अब हम अपने लिंक बुश के देख निकाल लेंगे इसमें से। इसमें प्लास्टिक वाले बुश होते हैं, इसे हमने ठोके निकाल लेते हैं। हमने दूसरे में क्यों निकाल लिए लिंक बुश निकल गए हमारे। इसे हम आप पेज कैसे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मट्टी जमी होगी काफ़ी ज़्यादा। ये हमारा साफ़ हो चुका है। ये भी दूसरा साफ़ कर लेते हैं। इसे हम अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इस पे देखो हमारे दो लिंक बुश थे। ये हमारा प्लास्टिक वाला बूस है और दूसरा हमारा ग्रीन बूस है। ये देखिए, एक लिफाफे में प्लास्टिक वाला है और हाथ में ग्रीन बूस है। ये हमने ग्रीस लगा लिया पहले शॉकर में, फिर उसके बाद
जिसमें लिंक बूस्ट फिट करना है उसमें भी हम देखो ग्रीस लगा लेते अच्छे से ताकि आराम से प्रॉपर बैठ जाए। लगा चुका हम पहले इसमें ये तो ग्रीन बूस्ट बैठा लेते हैं शॉकर में, ये हमने ग्रीन बूस्ट बैठा दिए। अब इसमें हम लिंक बूस्ट बैठाने देते हैं, हमारा लिंक बुश बैठ चुका है। अब दूसरा लिंक बुश उठा लेते हैं हम, लिंक बुश में बैठ गया। हे गाइस, मैं वीडियो ना थोड़ा लंबी होती मेरी इसलिए क्योंकि ना आपको तसल्ली समझ में आ जाए, इसमें कोई चीज़ छूटे ना पाए, इसलिए मैं वीडियो ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिल्कुल बनाता हूँ, इसमें आपको ना कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो काट काट के बनाओ फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं वीडियो काटता नहीं। ये हमने टाइट कर लिया है, प्ले नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ये बैठ गए हमारे, तो ये भी टाइट कर दिया हमने। बैठ चुका है देखो, उन्हें बैठा दिया। अब इसमें हम अपना व्हील फिट कर लेते हैं, हमने अपना व्हील लगा लिया। और आप एक चीज़ हमेशा मेरी हमेशा बात याद रखिए, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, आप जिस तरह जो सामान खोलते हैं उसे उसी तरह फिट करना पड़ता है हमें, बस इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, जिस तरह हमने खोला है वैसे ही हमें हमारा सामान फिट होगा। देखो ये हमारा लग गया एक्सल भी, ये हमने इस पर इसे नट टाइट कर लेते हैं। ये देखो ये हमने टाइट कर लिया, ये हो गया प्ले, कुछ नहीं है उसमें। अब पहले मीटर की वायर लगा लेते हैं, फिर पिछली ब्रेक दाब के देख लेना, जो ब्रेक दबेगी वो नीचे, पिछली ब्रेक हमेशा नीचे लगती है और अगली ब्रेक हमेशा ऊपर लगती है कॉम्बो ब्रेक में। हमने स्प्रिंग लगा लिया है, इसे हम बैठा लेते हैं। नट थोड़ा टाइट चढ़ रहा है इसलिए हमें इस तेल लगा लिए थोड़ा। ये हमारा मेन एक्सल टाइट हो चुका है देखो,
ब्रेक हम नीचे और ब्रेक ट्राइड कर लेते हैं। ये हमारी ब्रेक टाइट हो चुकी है। सो गाइज़ ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो रखी है।